पुराने जमाने में हुगली नदी के ऊपर बहुत सारे पैडल स्टीमर्स चलते थे, जो स्टीम से पावर होके नदी से जुड़े हुए जो शहर है वहां जाते थे। लेकिन ये जो पैडल स्टीमर आपके सामने आप दिख रहे हैं, ये आखिरी पैडल स्टीमर है। इसका पुराना नाम पीएस भोपाल है, अब इसको बंगाल पैडल के नाम से री इन्वेंट किया गया है, इसको रिस्टोर किया गया है। इस जहाज को 1945 में स्कॉटलैंड में बनाया गया था विलियम डेनी एंड ब्रदर्स द्वारा। अब इसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट और एक प्राइवेट कंपनी रिस्टोर करके इस तरीके से नए रूप में कोलकाता के जनता के सामने पेश करेंगे। हम आपको अंदर ले जाके दिखाते हैं कि इस पैडल स्टीमर के साथ कौन सी इतिहास जुड़े हुए हैं। कोलकाता में अगर हम रेस्टोरेशन की बात करें तो आज एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि ये जो बोट आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में, ये आखिरी पैडल स्टीम बोट है जो अभी भी बचा हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं ये पैडल है, स्टीम से ये पैडल चल के पुराने दिनों में ये बोट हुगली नदी पे चलते थे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ईस्टर्न नेविगेशन मिस्टर वाई के सिंह। सर, आपसे जानना चाहेंगे, ये एक बहुत अहम प्रोजेक्ट रहा होगा आपके लिए, क्योंकि इतना पुराने चीज को रिस्टोर करना आसान तो नहीं होगा। जी हाँ, ये एक्चुअली जब हमको पता चला कि पोर्ट हमको बोल रहा है कि इसको आप रिस्टोर करिए, तो आफ्टर टेंडर मिलने के बाद में जो हमको इसमें जो हमने इनिशियली सोचा था कि ये बहुत ही चैलेंजिंग जॉब है, और हमने सोचा कि ठीक है करते हैं, किंतु जैसे जैसे हम लोग आगे आगे बढ़े और जैसे ये जॉब नहीं रह गया, एक ऑब्सेशन रह गया और बड़ा ही इंटरेस्टिंग एंड आर्टिस्टिक थिंग था, और सबसे बहुत ही कोऑपरेशन मिला, चाहे पोर्ट हो, चाहे हमारे वेंडर्स हों, चाहे हमारे वर्कर्स हों, सबसे बहुत ही कोऑपरेशन मिला, और आप इसके सामने देख ही रहे हैं कि क्या रिजल्ट आया है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये है बंगाल पैडल, ये जो आपको दिख रहे हैं तस्वीरों में जो लाल जो व्हील जैसे चीज है, यही पैडल है जिससे पुराने दिनों में ये बड़ा जो बोट है चलता था, स्टीम से ये पैडल को घुमाया जाता था और फिर बोट आगे बढ़ता था हुगली नदी के ऊपर। आप देख सकते हैं ऐसा ही पैडल अब रिस्टोर किया गया है, इसका नाम दिया गया है बंगाल पैडल। अगर आप जानना चाहते हैं कि ऐसा देखने लायक क्या है इस बोट में, तो आप जैसे ही बोट के अंदर आएंगे आपको ये सारे चीजें दिखाई देंगे जो एक पुराने जमाने में आपको वापस ले जाते हैं। यहां पे कैसे ये बोट चलता था हुगली नदी के ऊपर, और ये भारत में आखिरी ऐसा बचा हुआ बोट है पैडल स्टीम बोट जो ऐसे चलता था। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा कंट्रोल कैसे किया जाता है इस बोट पे। फिर इधर आएंगे तो आप देख सकते हैं सारे जो लीवर्स है जिसको लेकर बोट को आगे पीछे करने की जो बात है, जो मशीन रूम इंजन रूम में सिग्नल जाता है, जो मरीनर्स यूज करते हैं सारे चीज, वो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, सारे कंट्रोल इस बोट के यहाँ पे है। लेकिन आगे आइए, हम आपको दिखाते हैं एक अहम चीज जो कोई भी स्टीम मशीनरी की सबसे अहम पार्ट है, वो है क्रैंकशाफ्ट। अब इस क्रैंकशाफ्ट के ऊपर नीचे होने से स्टीम के द्वारा ये एनर्जी प्रोड्यूस करके, ये एनर्जी जो क्रैंकशाफ्ट, एक बहुत पुराना क्रैंकशाफ्ट यहाँ पे बचा के रखा गया है, इस क्रैंकशाफ्ट जब मूव करते थे तब इस तरफ आपको ये पैडल दिखाई देगा, ये पैडल जब घूमते थे तब आपका बोट आगे निकल जाते थे पुराने जमाने में। और आप देख सकते हैं इस तरफ कैसे सारे चीजों को बचा के यहाँ पे रखा गया है। लेकिन इतिहास और जो एग्जीबिशन है यहाँ पे खत्म नहीं होता। कोई भी स्टीम बोट में एक बॉयलर रूम तो होता ही था, और इस स्टीम बोट में बॉयलर रूम को म्यूजियम में बदल दिया गया है। तो म्यूजियम में क्या देखने को मिलेगा आपको, पुराने जमाने में जब एक बोट चलता था कैसे ये पैडल बोट चलता था, उसका एक एग्जीबिशन इस म्यूजियम में रखा गया है। आप देख सकते हैं जो आपको ऊपर हमने क्रैंकशाफ्ट दिखाया था और पैडल दिखाया था, उसी का एक मॉडल रेप्लिका यहां पे रखा गया है, और आप देख सकते हैं कैसे ये बोट चलता था। साथ साथ यहां पे एक बॉयलर जिसमें स्टीम बन के एनर्जी क्रिएट होता था, उसका एक रेप्लिका रखा गया है। ये एक्चुअल बॉयलर है, इसमें अभी ऑफकोर्स कोल या कोयला नहीं जलाया जा रहा है, लेकिन उसका एक रेप्लिका बनाया गया है। साथ साथ यहां पे आप देख सकते हैं एक स्टीयरिंग व्हील जो है पैडल बोट का, सिस्टर शिप का हमें बताया जा रहा है, यहां पे एग्जिबिट किया गया है। और यहां पे बाकी जो रिवराइन हिस्ट्री है कोलकाता के, उसके ऊपर
और ये जहाज की जो हिस्ट्री है, जो पैडल बोट की जो हिस्ट्री है, उसकी एक अनुमान, एक चित्र यहाँ पे दिया गया है आपको। एक जो सर्च लैंप होता था पुराने जमाने के शिप में, उसका एक रेप्लिका यहाँ पे है। और साथ साथ पुराने दिनों में जो इस्तेमाल किया जाता था शिप को कंट्रोल करने के लिए, जो इंस्ट्रूमेंट्स, उसका भी एक एग्जीबिशन यहाँ पे रखा गया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे पुराने टेलीफोन, मास्टर के टेलीफोन, मास्टर के टाइपराइटर, सारी चीजें, आवर ग्लास, जो चीजें, और यहाँ पे लैंप्स वगैरह भी है, सारे चीजें यहाँ पे एग्जिबिट में रखा गया है। अब चलिए उस दूसरे तरफ देखते हैं क्या रखा गया है। तो जैसे कि हम आपको बता रहे थे, दूसरे साइड में भी एग्जिबिशन है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर इरा के एक लाइफ, यू नो, लाइफ बॉय है, रिंग लाइफ बॉय। और इस साइड आप देख सकते हैं एक सेल्फ इग्नाइटिंग लाइट है। इस साइड अगर आप आते हैं तो आपको दिखाई देंगे सारे जो एग्जिबिशन है शिप्स के। और यहाँ पे एक बहुत बहुत अहम चीज है, यहाँ पे जो है कैप्टन या मास्टर द शिप का जो कैबिन है उसका रेप्लिका बनाया गया है। नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये कैसे ये चीजें यूज होते थे उन जमाने में, तो ये नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट है। इस साइड कैप्टन को अगर कुछ कहना होता तो वो इसमें कहते और उधर आवाज जाते, और अगर उनको जहाज कंट्रोल करना होता तो ये वो इसको ऐसे ऐसे कर सकते थे, और फिर इधर जाके जो इंजन रूम में है उनको पूरा मिल जाता कि हाँ ये ऑर्डर कंप्लाई हो चुका है। इस तरफ आपको एक व्हील है, हिस्टोरिकल व्हील, और इधर भी और बाकी चीजों की एग्जिबिट रखे गए हैं जो पुराने शिप्स को नेविगेट करने के लिए यूज किया जाता था। इस साइड अगर आप देखते हैं तो एंकर्स है पुराने, और ये सारे चीज एग्जिबिशन में आपको देखने को मिलेंगे अगर आप इस शिप में आते हैं। पूरा दुनिया में सिर्फ ऐसे 3 शिप बचे हैं, पूरा भारत में सिर्फ एक ऐसा शिप बचे हैं जो आपको कोलकाता में देखने को मिलेगा, क्योंकि इसको रेस्टोर किया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट द्वारा। देखिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट जो है वो एक रिवर का पोर्ट है। वी आर ए 150 ईयर ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन, और हमारा जो भी व्यापार है वो रिवर के ऊपर निर्भर है। और जब इस वेसल को हमने देखा तो हमें लगा कि ये एक पीस ऑफ हेरिटेज एंड पीस ऑफ हिस्ट्री है कनेक्टेड टू द रिवर, जिसको रिटेन और मेंटेन करना नॉट ओनली आई वुड से दैट वी शुड डू इट, बट इट इज़ अवर ड्यूटी। तो ये जैसा आप जानते हैं कि कलकत्ता जो है एक हिस्टोरिकल शहर है, और उसमें रिवर की हिस्ट्री बहुत पुरानी है, उसको संजो के रखने का हमारा एक ही प्रयास है। तो भारत के सबसे पुराने स्टीम पैडल बोट का रेस्टोरेशन तो हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ से भी जब आप आएंगे, यहाँ पे बैठेंगे, तो आप जो पैडल है उसको देख पाएंगे ऊपर से, लेकिन जो ऊपर का एरिया है उसको एक रेक्रिएशन एरिया में बदल दिया गया है, जो कोलकाता के नागरिक यहाँ पे आ पाएंगे, यहाँ पे इवेंट्स होस्ट कर पाएंगे, बाकी लोग भी यहाँ पे इवेंट्स होस्ट कर पाएंगे हुगली नदी के बैकड्रॉप में, और सारे जो नजारा है यहाँ के यहाँ आप इंजॉय कर पाएंगे। लेकिन साथ साथ ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कोलकाता का जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है, वो इस नदी से जुड़े हुए हैं, और ये हिस्ट्री कहने के लिए रेस्टोरेशन बहुत जरूरी है। और ऐसा ही रेस्टोरेशन का एक उदाहरण ये स्टीम पैडल बोट है, जिसको अभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट द्वारा रिस्टोर किया गया है। कैमरा पर्सन जी डी शंकर के साथ कोलकाता से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया।